हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथर, रोथर जेलिसिस माय नेम, और स्वागत है आपका चैनल सेगमेंट पे। सो जो आज टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सो यार, अगर तुम एमबीबीएस करना चाहते हो यहाँ पर, राइट, सो पहले तो तुम्हारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, ऑल इंडिया कोटे से आप यार ले सकते हो, एम जैसे कॉलेजेस, एम्स जैसे कॉलेजेस ले सकते हैं, या फिर स्टेट कोटे से आप अलग अलग स्टेट भी ले सकते हैं, स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, ऑल इंडिया कोटे से भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, बट 15% के लिए ही रिजर्वेशन रहता है। अब अगर मान लो आपको यहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे, प्राइवेट कॉलेजेस जाओगे, प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत फीस होती है, राइट, नंबर कम है, प्राइवेट कॉलेजेस भी नहीं मिल रहे जो नामी ग्रामी प्राइवेट कॉलेजेस है, फिर क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, फिर होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। फीस जरूर ज्यादा होती है बट रैंक कम, बहुत कम रैंक में आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस मिल जाते हैं। सो अगर आपके पास बजट सजट है, तुम्हारे पापा के आगे बिरला अंबानी टाटा फाटा कुछ लगा है, या फिर अच्छा खासा छाप लेते हैं, तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है यार, कि अगर तुम्हारा कहीं और एडमिशन नहीं हो रहा है प्राइवेट में उतने आप यू नो, और या फिर गवर्नमेंट में कम नंबर है, लेकिन करना तुम्हें एमबीबीएस ही है, बनना तुम्हें डॉक्टर ही है, राइट, तुम्हें चीड़फाड़ ही करनी है, तो मैं आपको बता दूं ये सारा कट ऑफ गया था राउंड फर्स्ट, राउंड टू और राउंड मोपअप राउंड में, किसमें, डीम्ड यूनिवर्सिटी में। सो आखिर इंडिया में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, राइट, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस लेना, जरा सा इसको मैं समझाता हूं, राइट, गवर्नमेंट कॉलेजेस लेना, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे नहीं मिलते, 700 में से आपको 600 नंबर लाने होंगे, 500 से नीचे वालों को तो मिलते ही नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजेस, राइट, किसी भी स्टेट में जाओ लाले पड़ जाते हैं, तो ये समझना जरूरी है। सो अब आपको नीट में अगर 700 नंबर से कम आपके आ रहे हैं, सॉरी 500 नंबर से कम आ रहे हैं, तो आपको मुश्किल पड़ जाएगा। फिर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, तो प्राइवेट भी यार कॉम्पिटिशन इतना है कि लोग यहाँ पर प्राइवेट की फीस भरने के लिए भी 300 नंबर के अंदर 250 नंबर में भी लाले पड़ते हैं। कुछ स्टेट में मिलता है कि भाई ये यूपी की फीस ज्यादा है, जिस कॉलेज की फीस ज्यादा है उनको मिल गया। लेकिन अब आती है बारी डीम्ड यूनिवर्सिटी की या एनआरआई कोटे की। सो डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या है कि फीस बहुत ज्यादा होती है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सो वहां पर जिनकी अच्छी रैंक भी होती है वो प्लान कर लेते हैं कि यार चलो हम ड्रॉप ले लेंगे, या फिर हम इस बार का नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करके आएंगे। अब यार देखो यहां पर क्या है, तुमने ड्रॉप शॉप तो ले लिया, लेकिन अभी इसको समझ लेते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में किस रैंक तक वाले लोगों को किस कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। तो ये कॉलेज के नाम है, आप पढ़ सकते हो, मैं कुछ कॉलेज के नाम लूंगा, सारे को एलिमिनेट नहीं करूंगा। ये स्टेट किस स्टेट में आता है, ये कॉलेज फीस कितनी है, तो आप ये समझ सकते हो 20 लाख, 17 लाख, 16 लाख, 14 लाख, 15 लाख, ये इसकी पर ईयर की फीस है, पर ईयर की। जी आपने सही सुना, 20x5 अगर कर लो तो आप क्या समझ रहे, करोड़ रुपया। जी हाँ भैया, ये किसी एक कोर्स की फीस है एमबीबीएस की, इसी को कहते हैं कि करोड़ों लग रहे हैं। जी बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। तो अगर हम गिटम यू नो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो कॉलेज है, 20,75,000 इसकी ऑफिशियल फीस है, राइट, अगर दूसरे चार्जेस हम मिलाएंगे इधर उधर के जो कॉलेजेस के होते हैं तो वो अलग होंगे। राउंड फर्स्ट में आप देखोगे ऑल इंडिया कोटा से 6 लाख यू नो 1,000 में ये कहीं ना कहीं क्लोज हुआ था, 185 रैंक पर ये मिल गया था। सो राउंड टू में 176 पे मिल गया था और यहाँ पर 150 नंबर पर ये मिल गया था, तो इतना डिफरेंस आया था, -23 का डिफरेंस। तो एक रफ आइडिया आपको पता चल चुका है कि इतने नंबरों पर हमें ये मिल चुका है। अगर वही IMS की भुवनेश्वरपुर की बात करें, उड़ीसा में जो है 17,90,000 फीस है, 18 लाख समथिंग, और ये भी 22 मतलब ये आप ये समझिए कि 2,27,000 में क्लोज हो गया था, 412 पे। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसा कॉलेज 412-465 स्कोर पर क्लोज हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं। तो बहुत सारे कॉलेजेस की वैल्यू भी ये देखिए 517 पे क्लोज हो रहा है। तो यहां पर ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट है, एक बार आप यहां पर पॉज करके इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझ सके ताकि कि कितनी यहां पर रैंक गई हुई है, राइट, और इसके बाद यहां पर अभी आप देख पा रहे हो कि इतनी 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 रैंक गई है, राइट, और लास्ट में भी हमें इतने नंबर तक मिल सकता है। सो अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी लेना चाहते हो तो यस, आपको 150 नंबर पर भी मिल जाएगा, लेकिन अगेन मैंने कहा कि तुम्हारे पापा के पास, माता जी के पास, तुम्हारे भैया भाभी के पास, ये एक्स वाई जेड जो भी तुम्हें फाइनेंस कर रहा है, रोकड़ा होना चाहिए भैया, यहाँ पर पैसा दबा के लगता है। सो ये आप देख सकते हो। कुछ और कॉलेजेस की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो भारतीय विद्यापीठ पुणे की तो देख रहे हो, यहाँ पर भी 20 लाख फीस है, अगर 374 पे क्लोज हो गया था फर्स्ट राउंड में, सेकेंड में 361 पे और 550 मोपअप राउंड पे 550 तक गया, क्योंकि सीट बची हुई कम थी, ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। तो ऐसा भी
ही होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि मोपर ब्राउन उड़ जाएगा, जब सीट नहीं बचेगी तो फिर कैसे होगा। यहाँ पर ये देखिए 229 पर 186 तक मिल गया था, डी वाई पाटिल पुणे जैसा कॉलेज आपको 181 नंबर पर मिल गया था, राइट। अगर हम यहीं पर बात करें एमजीएम मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद और मुंबई की, सो अगेन दोनों में फीस 20-20 लाख है, यहाँ पर 376 गया था, यहाँ पर 395, सेकेंड राउंड में 363, 393, 396 और यहाँ पर 588 पर ही क्लोज हो गया। तो ये सारी चीजें इसीलिए बोलते हैं कि चॉइस फिलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अब देखिए कॉलेज ये वाला बेटर है, राइट, कौन सा, एमजीएम का औरंगाबाद बेटर है मुंबई से, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि 396 पे क्लोज हुआ था वो कहीं ना कहीं, राइट, अगर हम सॉरी मुंबई ही लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन आप इसमें डिफरेंस देखिए, जहां ये 396 पे क्लोज हो गया वहीं पर ये यहां पर 588 पे गया, और यहां इससे पहले 363 पे क्लोज हुआ था। तो कई बार चॉइस फिलिंग जब आप भर रहे हो तो इसलिए कहते हैं कि ऑप्शंस रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसी कॉलेजेस भरोगे यहां तो आपके अगर जहां चांसेस थे, राइट, आपके 450 नंबर है तो भी नहीं होना था, और अगर आपने कोई और कॉलेजेस ले रखे होते तो आपको मिल गया होता। तो चॉइस फिलिंग भी आप थोड़ा सा देखकर करें। कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर 111, 113 नंबर, 108 नंबरों पर भी एडमिशन हुआ है, राइट। सो ये देखिए आप, अगर श्री लक्ष्मी नारायण पांडिचेरी में जो कॉलेज है 22 लाख फीस थी, 22 लाख इंटू 5 कर दीजिए आप, राइट। अब यहां पर देखिए कि यहां 110, 116, 108 पहली काउंसलिंग में ही 808 नंबर पे एडमिशन मिल गया था, राइट। सो हमने अगेन यहां पर इसीलिए आपको बताया कि एडमिशन पाना तो यार इट्स नॉट टफ टास्क, पैसा रोकड़ा भी होना चाहिए, और कॉलेज अगर देखो यार गवर्नमेंट सवर्नमेंट चाहिए, टॉप लेवल का कॉलेज चाहिए तुम्हें अगर एमबीबीएस करना चाहते हो, क्योंकि एमबीबीएस तो यार ऐसा है कि आप एब्रॉड से भी कर सकते हो। सो उसकर भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए हैं, डेडिकेटेड चैनल लाए हुए हैं कि एमबीबीएस का तुम्हारा पीछा हम नहीं छोड़ेंगे, कब तक, जब तक तुम बन नहीं जाते, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन हम देते रहेंगे, राइट। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बताओ अपने तमाम कलीग्स को, दोस्तों को, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी मदद हो सके। सो एमबीबीएस तो तुम अब्रॉड से भी कर लोगे, बट वही सारी चीजें आती है ना कि यार एमबीबीएस अगर आप चाहोगे तो 20 लाख में, 30 लाख में आप अब्रॉड से भी कर सकते हो। सो अब अगर टॉप लेवल का कॉलेज चाहिए तो यार नीट में आपको स्कोर अच्छा करना ही होगा। लास्ट और देख लेते हैं एक बार, हम यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एसएनएम मेडिकल कॉलेज चेन्नई की, तो यहां पर 25 लाख फीस है, और फर्स्ट राउंड में 270 करीब पे क्लोज हो गया था, सेकंड में 109 पर डायरेक्टली जंप मारा, और 110 पर मोप अप राउंड में। सो ये भी होता है डिफरेंस की, राइट, कि जो लोग भी, बहुत सारे लोग जब सीटें छोड़ते हैं, सो यहां पर देखिए 268 पे क्लोज हुआ था जो फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में 109 नंबर पर मिल गया, इससे कम नंबर पे क्या मिलेगा, क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते, राइट। सर ये भी जरूरी है, क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है आपको, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, नहीं कि आपने क्वालिफाई, तो फिर आपको, आप सोचो कि नीट क्वालिफाई बगैर किए हुए मुझे ड्रीम्ड में एडमिशन मिल जाएगा, तो नहीं होगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये जरूर होता है कि क्वालिफाई बहुत कम नंबरों पे आप हो जाते हो, मतलब 700 में से अगर आपके 100-150 के बीच में भी आते हैं ना तो आप क्वालिफाई होते हो, राइट। सो ये एक प्लस पॉइंट होता है। सो ये सारे कॉलेजेस आपने देखे, आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि अगर आप यहां एमबीबीएस की डिग्री हासिल करना चाहते हो, सो या तो पैसा हो या फिर एक अच्छी रैंक हो, इन दो ही एक तरीके होते हैं इनमें एडमिशन लेने के, बाकी तीसरे तरीका नहीं होता, भैया भाभी, चाचा चाचा, मामा मामी नहीं होते, राइट, जो करवा देंगे, ना ही कोई ब्रोकिंग के सिस्टम में, कंसल्टेंसी के चक्कर में पड़ना है। यहां पर क्या है, चैनल को पकड़ के जकड़ के रखना है, सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एक एक चीज को बताया जाएगा, ना ही किसी के किसी से एडवाइस लो बेफजा की, राइट, क्योंकि गलत आपको एडवाइस दे, चॉइस फिलिंग का पूरा यहां पर खेल होता है। तो समझो कब कब चॉइस फिलिंग होती है, कितने स्टेट की होती है, सारी चीजों में आपको भाई बताएगा आपको। सुबह जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।